Abbas Bara to visit the ceremony. Prime Minister held bilateral talks with the US President on June 22nd. President Biden hosted both a state dinner and a private dinner. कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। काला कपड़ा, काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने में भी था, सीमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। संग्राम अब देश की सबसे बड़ी पंचायत से लेकर सियासी रैली तक परवान चढ़ने लगा है। विपक्ष का इंडिया मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास का दांव चल चुका है। लेकिन सवाल है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को मोदी सरकार पर कितना है विश्वास, यही जानने टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता रवि मिश्रा महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और इस वक्त महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में हम पहुंच चुके हैं। मोदी और भाईजान हमारे कार्यक्रम का कार्रवाई इस वक्त सोलापुर में। सोलापुर में मुस्लिम समाज के सामने बड़े मुद्दे क्या हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वो क्या सोचते हैं? नीतियां हों चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के की योजनाएं हों, उनकी पॉपुलैरिटी हो, उनका कामकाज हो, इस सब को लेकर यहाँ का मुस्लिम समाज क्या नज़रिया रखता है, करेंगे इस पर बात। ये सारे सवाल, ये सारे मुद्दे यहाँ के स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों के सामने रखेंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं सोलापुर से मोदी और भाईजान। सीना नदी के तट पर बसे सोलापुर से आज देखिए कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर मोदी सरकार को लेकर मुसलमानों में विश्वास है या अविश्वास। पहले ड्राफ्ट तो लेके आओ, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले मुसलमानों को विपक्ष के गठजोड़ इंडिया पर विश्वास है या अविश्वास मोदी के खिलाफ, ये जो इंडिया ग्रुप बनाए हुए हैं। तो हम आ चुके हैं सोलापुर में और सोलापुर में फिर से वही मुद्दे हैं। मोदी और भाईजान से जुड़े तमाम विषयों को हम महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में उठा रहे हैं और इस वक्त हम सोलापुर में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर सोलापुर का मुस्लिम समाज क्या सोचता है, उनके व्यक्तित्व, उनके कामकाज, अब तक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कैसा काम किया, क्या उनकी नीतियों का फायदा यहां के मुस्लिम समाज को हो रहा है, कौन सी बात नरेंद्र मोदी को उनको पसंद है और किस बात को लेकर नरेंद्र मोदी की वो आलोचना कर रहे हैं, इन सभी विषयों पर सोलापुर में हम बातचीत करेंगे यहाँ के स्थानीय मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों से। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। पहला सवाल मैं आपसे वही कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? हम तो वही देखते हैं जो बोले हैं, सबका साथ सबका विकास, उसी तरह चल रहा है, उसमें कोई तब्दीली किसी के लिए भेदभाव नहीं है, सब वैसे ही चल रहा है, सबको धन मिल रहा है, अनाज फ्री तो मुस्लिम समाज को भी मिल रहा है और समाज के तरह। और हमारा जो हज का यात्रा का जो है साल में एक दफ़ा लिमिटेड था, अब मोदी सरकार ने अनलिमिट कर दिए। ऐसे बहुत सारे श्रम कार्ड है, सबके लिए कॉमन बना है, 5 लाख अगर बीमार होता है तो बीमा इंश्योरेंस का सबके लिए लेकर चल रही है सरकार। आप मुझे कुछ बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि ये सरकार वाकई में मुस्लिमों के लिए भी उतना ही काम कर रही है जितने दूसरों के लिए, क्योंकि आरोप बड़े गंभीर लगाए जाते हैं कई नेताओं के द्वारा। हर एक पक्ष में ऐसा होता ही रहता है, क्या ऐसा नहीं कि वो कुछ बोलते हैं, वो तो होने वाला, उनके उनके पार्टी का उन्होंने बोलने वाले, हम जो पार्टी के वो बोलने वाले, ऐसा तो कुछ नहीं कि हमारे देखने में तो सब कुछ नहीं, सब समान है, ऐसा कोई भेद विभेद आपको नहीं देखा? नहीं देखा। आप क्या सहमत हैं इनकी बात से? इनकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ, अभी आज के हालात और माहौल के हिसाब से देखा जाता है तो जिससे हाल ही में अभी मणिपुर का जिस तरह से हाल हुआ, नरेंद्र मोदी साहब ने कहते हैं कि इस पूरे भारत देश के पूरे सीएम से उन्होंने ऑर्डर किया कि वहाँ पर जो है ना कायदा सुव्यवस्था को जो है ना मजबूती से लाओ। ये वक्त के वक्त होने के बाद, कि वक्त से पहले भी वो बता सकते थे और जिस लगा कि
किया तो सही लेकिन देर से किया, आप ये कह रहे हैं? हाँ, किया तो सही लेकिन देर से किया। बाकी इतर पार्टियों ने बीजेपी के बारे में, जैसे कि कांग्रेस हो, इतर पार्टी हो, इन्होंने खाली हमको बताया कि बीजेपी पार्टी मुस्लिम के खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम के खिलाफ बीजेपी पार्टी नहीं है। मैं भाई को पूछता हूँ, 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई तो ये मुद्दा लेके आई सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका वाटोला कर रहा है बीजेपी। और यहाँ पर देखिए आप, नुकसान कर रहा है, हर जाति का नुकसान कर रहा है। जब भाजपा सरकार रहे है तो यहाँ पे अभी इनको ही पूछना चाहता हूँ, हमारे साहब को पूछना चाहता हूँ, हमारी पार्टी को पूछना चाहता हूँ, ये यहाँ पर बोले नुकसान कर रहा है, यहाँ पे जो बोल रहे हैं आप साथ चलिए, पहले वालों ने क्यों काम नहीं? वही तो देखे ना हम, वही नहीं, मुसलमान का भला कोई करने वाला नहीं है, मुसलमान का भला अल्लाह करने वाला है, ये कोई सरकार क्यों है फिर? अल्लाह तो हम सरकार क्यों है जब सब कुछ अल्लाह करना है? देखो हमको, देखिए डेमोक्रेसी में सरकार चुननी होती है। हमको अगर भाजपा गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट अगर दोनों को अगर कंपेयर करना है तो मुस्लिम मतलब अल्पसंख्यक को जो ना ये बजट जो आता है उस बजट में कितना प्राविधान जो ना अल्पसंख्यक को किया है उतना बता दो बस। बजट तो है ना, बजट का फिगर जो ना अर्थ मंत्री जो रहते ना वो सादर करते हैं। अब योजना के ताल्लुक से जो बता रहे हैं ना, 2014 के बाद का जो आप रेशियो देखेंगे एजुकेशन के ताल्लुक से जो है ना, भारत सरकार ने जो प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जो है ना, मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल स्टेट गवर्नमेंट के मार्फत जो है ना एजुकेशनल लोन का प्रावधान किया, और बेगम हजरत महल ये स्कॉलरशिप योजना का जो है ना प्रावधान किया, यूएन हज कमेटी के मार्फत जो है ना हज को जो यहाँ से जो हाजी प्रवास जाते थे है ना सब्सिडी बंद कर दिया, बंद करके उन्होंने पुण्य कमाने का काम कर दिया इनको, क्योंकि मुस्लिम समाज को क्यों जो एक रुपया अल्लाह के ऊपर वाले के रास्ते में खर्च करेंगे ना उसका 70% जो है ना उसका ये मिलता है। हज वाली बात पे उस समय बहुत लोगों ने स्वागत भी किया कि हमें जरूरत नहीं थी सब्सिडी की, हम तो अपनी कमाई से जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने उस समय कहा, हमने इंटरव्यू लिया तो हमें टीवी पे बड़े लोगों ने कहा, ये अब तक नहीं आ रहा है। हज कमेटी की सब्सिडी जो है ना पिछले कई सालों से आती थी, जब किसी का भी राज्य हो, कांग्रेस का राज्य हो, उसके बाद बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, फिर और कांग्रेस की सरकार आई, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ही हज सब्सिडी क्यों बंद हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोग रहते हैं जो स्वागत बंद कर दिया, लेकिन जो है ना हाजी लोगों को जो जाने का प्रवास का जो है ना परसेंटेज कोटा बढ़ा दिया, इवन आमदार जो MLA MPs का जो कोटा रहा करता था ना उसको जो है ना वो माइनस कर दिया उसको। अब UCC की बात हो रही है कि सबके लिए एक कानून, सिविल लॉ जो है, शादी तलाक जो जायदाद है प्रॉपर्टी इन सबके लिए एक कानून हो, हिंदू हो मुस्लिम हो किसी के लिए हो सबके लिए एक कानून, उसी के साथ सिविल लॉ की बात हो रही है। सिविल लॉ ये बिल्कुल सिविल लॉ गलत है इस चीज के ताल्लुक से। आपको लग रहा है कि UCC जो है मोदी सरकार जो तैयारी कर रही है, नहीं, आप लोग उसके गलत है, बिल्कुल गलत। अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं पूरा, अभी ड्राफ्ट बनने में प्रोविजन नहीं आया, तो पूरा मोदी जी जो है ना पहले तैयार करके रखे लें, सिर्फ घोषणाबाजी रहती है, लेकिन इसका अभी ड्राफ्ट आया नहीं, लेकिन लोग जो बोलेंगे ना वो सब सही, जो बीजेपी गवर्नमेंट बोलेंगे वो सब गलत, ये इन लोग का मानना है। अभी वो चीज हुआ ही नहीं तो वो चीज का नहीं, अभी वो यूज अभी वो अभी उसका निकाल बनाया भी नहीं। आपके कहने का मतलब ये है, आपकी बात जो मुझे समझ में आ रही है कि बात नीतियों से ज्यादा सिर्फ मोदी विरोध तक है, वो जो विरोध है दूसरा कुछ नहीं है। अपने में जाके ये पहला क्या है, फिर बाद में उसकी तहकीक कीजिए, फिर उसके बाद बोलिए। अभी वो चीज बनी ही नहीं, अभी उसका रिपोर्ट निकला ही नहीं, अभी उसकी सुनवाई हुई ही नहीं, तो कैसे क्या बोलेंगे हम वो चीज का? वो कह रहे कि हमें चाहिए, भटका रही है, अभी वो देखेंगे ना, डिसीजन लेंगे ना बाद में। सरकार मुद्दे भटका रही है, जैसा कि एक मिनट, सरकार क्या मुद्दे भटका रही है? स्टार्ट में NRC लेकर आई, बाद में UCC लेकर आई, CA लेकर आई, अब UCC, लेकिन लोगों के काम क्या करी? बेरोजगार कितने बड़े, साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देते बोले, वो ना देते हुए ये ला रहे आज तक UCC को लेकर। अभी नरेंद्र मोदी सरकार के पास तो फैक्ट्री नहीं है कंपनियों की, जो जितना एजुकेशन लेंगे वही हिसाब से जाके जो है ना वो नहीं, लेकिन ये सवाल है, ये सवाल है, एक कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यही तो सवाल है, एकदम डायरेक्ट सवाल है। हर एक समाज के जो ना अपना अपना एक नियम रहता है, उस हिसाब से जो है ना फॉलो करने देने के लिए करना चाहिए। अगर कुछ कॉमन पहले ड्राफ्ट तो लेके आओ, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले मुद्रा लोन स्किल इंडिया
और स्टार्टअप के लिए योजनाएं शुरू की गई, इन सब का कहीं कोई फायदा नहीं दिख रहा है क्या? चाहिए मुद्दा, चाहिए मुद्दा, चाहिए मतलब मुद्रा लोन से क्या मुस्लिम समाज के लोगों को लाभ? ये लाभ सब लेते हैं। अब मुद्दा नहीं चाहिए ना, मुद्दा मोदी के खिलाफ मुद्दा चाहिए ना, मुद्दा नहीं है मोदी जी के खिलाफ बोलने का, मुद्दा कुछ नहीं है। लाभ हर आदमी लेता है, लाभ हॉस्पिटल का लाभ। अब सुने आप, गरीब से गरीब आदमी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है। ये लाभ आयुष्मान कार्ड क्या मुस्लिम समाज को नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? बहुत लोग यूज किए, फायदा ही नहीं हो रहा। खुद ने बना के दिए, हम खुद बना के आयुष्मान कार्ड, ये खुद लोग भी नहीं, ये खुद लोग भी उसका ये स्कीम रबाए हुए। क्यों रबाए जब उसका लाभ नहीं हो रहा? तो आयुष्मान कार्ड क्या मुसलमानों को नहीं मिलता? आयुष्मान कार्ड जो पूरे सोलापुर या पूरे इंडिया में चल रहा है, हर एक मुस्लिम वो कह रहे हैं कि कोई फायदा ही नहीं होता, हर एक मुस्लिम समाज इसका फायदा ले रहे हैं। उसका एक उदाहरण देता हूँ, नई जिंदगी भाग यहाँ पे है ना, जहाँ पर गरीब बस्ती ज्यादा रहती है, तकरीबन 250 लोगों का जो है ना आयुष्मान कार्ड में रजिस्ट्रेशन हो गया। जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला है, वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे भारत में चला था कोरोना के समय, तो क्या उसमें ये देख के दिया था कि ये मुस्लिम है इसको नहीं देंगे, ये हिंदू है इसको नहीं देंगे, ऐसा हुआ क्या? वही तो बता रहा हूँ ना मैं, सबके साथ सबका विकास जो है ना, वैक्सीनेशन दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, क्या उसमें भी भेदभाव था? दुनिया में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, हमारे देश को वैक्सीनेशन मिला, ये मुस्लिम है इसको नहीं देना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो कह रहे इनको नहीं मिला, आपको नहीं मिला जब वैक्सीनेशन तो हर एक आदमी अपने जान को डर के हर एक आदमी अपने जान को डर के लिया हुआ है। सर 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 वो क्या उपकार नहीं करे? सरकार उपकार नहीं करे? अब जब ये काम होता है, जब ये लाभ उठाते हैं तो उपकार नहीं करी, और जब वो नहीं चाहिए तो उपकार है हमारे पास। ये अपने अपने आज जब तक गवर्नमेंट ये वो कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं दिया तो उपकार नहीं किया, उपकार नहीं कि हर एक लिए वैक्सीन लिया, हर एक नरेंद्र मोदी की योजना का लाभ लिया है, और लाभ लेकर नहीं बोलते वो, यानी लाभ हर एक को है। समाज नरेंद्र मोदी ने कभी एक समाज का विकास नहीं किया, सबका साथ सबका विकास करते हैं हम। सोलापुर में 2014 के बाद से सोलापुर में कोई ऐसी घटना हुई क्या बड़ी जिसको लेकर ये कहा जा सके कि भाई बहुत दंगा हो गया, बहुत बवाल हो गया, या उसके पहले ऐसी कोई घटना हुई थी? मैं सिंपल ये सवाल पूछता हूँ आपसे, सवाल कोई नहीं हुआ, 14 के पहले क्या हुई थी या 14 के बाद कोई हुई है? 2006 में भी, 2002 में भी। आप कह रहे दरार बड़ी, ये कह रहे कि कोई ऐसी बड़ी घटना हुई नहीं, आप छिटपुट घटनाएं नहीं, आप सिर्फ सोलापुर क्यों ले रहे हैं? चूंकि यहाँ पे हम पूरे महाराष्ट्र की बात करेंगे ना, पूरे महाराष्ट्र की बात करो ना, हम सिर्फ सोलापुर की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? अगर स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, मैं महाराष्ट्र के सोलापुर में यहाँ के मुस्लिम समाज की बात सुनने आए हैं, इसलिए कर रहे हैं। 2002 के बाद में दंगा नहीं हुआ यहाँ पर, ये दो जब दंगे हुए तो मोदी जी के बाद मोदी जी नजर आ रहे हैं, दूसरा मुद्दा इनके बाद हैपुर में, सोलापुर में 14 के बाद मोदी नजर आ रहे हैं सोलापुर में। अब ये तो अब ऐसा हो गया, अभी कल करो किसी घर में पानी भी नहीं आएगा तो बोलेंगे मोदी जी पानी नहीं भेजे। 2024 का चुनाव धीरे 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 नजदीक आ रहा है, महाराष्ट्र में भी सारी पार्टियां अपने हिसाब से तय करें। मेरा सवाल आप सबसे यही होगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने कौन है चुनौती, एक चेहरे के तौर पर, एक पार्टी के तौर पर, या एक गठबंधन के तौर पर, क्या कोई चुनौती है, नहीं है, कौन है चुनौती? एक ही है, कांग्रेस की है बस, और कोई और क्या कोई वो लग रहा है आपको कि इतनी दावेदारी है उनकी कि 2024 में वो नरेंद्र मोदी को हटा देंगे इस पद से या उनकी पार्टी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो अकेले तो राहुल गांधी नहीं कर सकते, राहुल गांधी नहीं कर सकते, उन्होंने जो गठबंधन बनाया उस माध्यम से वो कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इनके जो है योजनाएं ऐसी स्कीम है। 2024 में लड़ाई है क्या ऐसी आपको देखिए, 2014, 2019 और 2024 में क्या है, क्या विरोधी जो फाइट है कोई बड़ी? वो एनडीए से है, एनडीए का जो है ना इंडिया लड़ाई है, लेकिन चुनौती है क्या, मजबूत चुनौती आपको लग रहा है? तो ऐसे नहीं लगता कि किसी की चुने, क्योंकि आपको लगता है? नहीं लगता। क्यों ऐसा लगता है? क्यों बोले तो नरेंद्र मोदी के जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी विकास काम है, विकास काम के मुद्दे पर लड़ेंगे और सबका साथ सबका विकास करके फिर एक बार 2024 में सत्ते में आएंगे। 24 को लेकर मोदी के मुकाबले में कोई नहीं होगा, कोई नहीं है 2024 में सत्ता है, नेता के तौर पर मोदी होगा, ये कहने कोई नहीं है। राहुल गांधी के सिवा 2024 में भारतीय जनता पार्टी के जो आज नरेंद्र मोदी है, मोदी जी तो चले गए, अभी तो है नहीं, चले जाएंगे 2024 में, वही नहीं आएगा, पक्का मोदी आएंगे पक्का 24 में। क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी चले गए, उनका गाना गा रहे, नरेंद्र मोदी जी के सामने राहुल गांधी ही नहीं, कोई भी आए टक्कर में नहीं है। और दूसरी बात,
अगर ये मोदी जी को गिराना चाह रहे हैं ना, एक ही चीज से गिराएंगे वो, सिर्फ झूठ बात। अगर कुछ जगह निवर के आएंगे ना तो बोले ईवीएम में घोटाला रही है, कुछ जगह निवर के आएंगे तो ईवीएम में घोटाला किए हुए। हाँ, लेकिन एक बात, मोदी जी आने वाले समय में प्रधानमंत्री ही रहेंगे। वो कह रहे हैं राज्य में बीजेपी जानबूझ के हारती है, ये उन लोग के यही है, झूठे आश्वासन दे सर, झूठे आश्वासन दे की कुछ करेंगे। आप क्या करें, 2024 कौन है मुकाबले में, मोदी के मुकाबले 2024 में मोदी के खिलाफ, मोदी के मुकाबले कौन, मोदी के खिलाफ ये जो इंडिया ग्रुप बनाए हुए है, ये नया वाला गठबंधन, नया वाला गठबंधन, पुराना वाला खत्म। क्या ये जहाँ पर हम मौजूद है इस वक्त, जिस जिले में आपके सोलापुर में मौजूद हैं, 2014 के बाद से, क्या आप व्यक्तिगत अनुभव से बताइए, मैं किसी अखबार और मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं आपके अपने अनुभव की बात कर, 2014 के बाद से क्या आपको सोलापुर में डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे, उल्टा मैं खुश हूँ इस चीजों में, क्योंकि जब 2014 से लेकर सोलापुर का तरक्की हुआ है, विकास हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई खतरा है या फिर कोई ये हुआ है। उल्टा 2014 से हमारा ये हुआ है, हमको लाभ मिला है, 2014 से हम ऊपर चले गए। ये एक बात कही जाती है कि जो दूसरे दल हैं उन्होंने हमेशा से ही नरेंद्र मोदी के नाम पे मुसलमानों के दिमाग में एक डर बिठाया, और इतना डराया कि उनको लगा कि शायद ये सरकार आएगी तो देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसा हुआ है, इसी वजह से 70 साल से मुसलमानों की तरक्की नहीं हुई है, ये अभी से नहीं हो रहा है, अभी से नहीं हो रहा है, जब से कांग्रेस 70 साल से हुकूमत की इस देश पर तब से हो रहा है। तो क्या वोट बैंक बन के रह गए मुस्लिम? वोट बैंक था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो बात को खत्म किया कि मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है, एक वर्ग कह रहा असुरक्षित है सोलापुर में, हम वो महसूस करते हैं, और दूसरा कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, हम अपना काम धंधा करते हैं, हमें कहीं कोई किसी का डर नहीं है। नहीं, दिक्कत तो कोई बात डरने की कोई बात नहीं, मुसलमान तो पहली बात तो किसको डरता नहीं अल्लाह के सिवाय। ये बात तो सही है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ इधर आईटी पार्क वगैरह से जो क्वालिफाई जो बच्चे हैं तो थोड़ा पुणे और बेंगलोर हैदराबाद इधर जा सकते हैं, पर इधर भी ये थोड़ा सोलापुर का थोड़ा बहुत हम मानते हैं कि डेवलप नहीं हुआ, पर इंशाल्लाह अभी जो काम जो हो रहा है हमारे नरेंद्र मोदी के अंडर, इसमें तो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इधर जा सके, हो सके इधर सोलापुर में अच्छे से अच्छे पार्क ला सके, आईटी पार्क ला सके, तो इसके लिए बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना। एक सवाल एजुकेशन को लेकर भी है कि शिक्षा को लेकर जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज में बहुत काम होना है, क्या इस सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी की योजनाएं हैं, मदरसों के को मॉडर्नाइज करने की बात हो या फिर मुस्लिम बच्चों को छात्रवृत्ति देने की बात हो, क्या इन सब का लाभ कहीं आपको नजर आता है, क्या एक रिक्वायरमेंट है? ये जो मोदी सरकार है ये चाहती है कि मुसलमान अनएजुकेटेड रहे, पिछड़ा वर्ग रहे, जबकि कई कमीशन, मंडल कमीशन से लेकर सच्चर कमेटी तक लोगों ने यही बताया कि मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा हुआ है, इनको रिजर्वेशन की जरूरत है, हमको फाइनेंशियली रिजर्वेशन तो, एक इकोनॉमिक वेकर सेक्शन का रिजर्वेशन तो आया है जिसमें तो आर्थिक रूप से कमजोर उसमें तो, हिंदू या मुसलमान सबको लाभ मिल रहा है। नहीं सर, हम चाहते हैं कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन अगर मिलेगा, वो भी सिर्फ एजुकेशन पर, हमको नौकरियों पर नहीं चाहिए, हम खुद कमा कर खाएंगे, हम खुद अच्छी से अच्छी नौकरियां हासिल करेंगे अपने बलबूते पर। देखो 60 साल कांग्रेस ने का सरकार चलाई है तो बीजेपी सरकार 9 साल में आज एयरपोर्ट बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं। महाराष्ट्र में एयरपोर्ट बढ़े हैं कि घटे हैं? पहले महाराष्ट्र में एयरपोर्ट का ही है सर, बढ़े हैं कि घटे हैं? घट गए हैं बीजेपी आने के बाद। भारतीय जनता पार्टी को क्या एयरपोर्ट घटे हैं महाराष्ट्र में? भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस वालों ने, मैं पहले भी बताया, उन्होंने कहा एयरपोर्ट बेच दिए, महाराष्ट्र के अंदर एयरपोर्ट पहले कम थे या अब कम है? पहले भी एयरपोर्ट नहीं था, अब उल्टा एयरपोर्ट आ रहा है, अब उसकी विकास कर रहे हैं एयरपोर्ट की, भाजपा की सरकार, नहीं भाजपा की सरकार आने से एयरपोर्ट आ रहा है।